Hello friends, welcome to Drone Die Doctor once again. Hope everything is fine. So now I'm fine, you can see me fit and back to job. I was affected by viral fevers, that's why videos nahi aa rahe the, but still questions aa rahe the, main jo kar pa raha tha main answer kar raha tha. तो कल है 13 अगस्त और 13 अगस्त को लॉन्च होने वाला है फिर से एक नया प्रोडक्ट. अब मैं ड्रोन नहीं बोलूंगा, प्रोडक्ट बोलूंगा, क्योंकि DJI ड्रोन बोल बोल के कुछ और प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है. बट इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्या लॉन्च होने के आसार सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा लीक्स किस चीज़ की हैं. तो वो आपकी उसको विद इमेजेस बताऊंगा, क्योंकि इमेजेस लीक हो चुकी हैं. तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए. इस चैनल पे हम लाते हैं ड्रोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट लाइक एंड शेयर दिस ड्रोन इन्फॉर्मेशन टुवर्ड्स ड्रोन लवर्स. तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. तो काफी पहले बात आ रही थी स्पार्क 2 आएगा, मैविक 3 का भी कोई लोग कह रहे थे और मैविक एयर 2 की बात हो रही थी. तो आपको बता दें कि क्या नाम ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, वो है मैक मिनी. जी हाँ, मैक मिनी एक नया तीसरा नाम जो कि लीक हुआ है और माना जा रहा है कि वो ड्रोन मैक मिनी लॉन्च होगा कल. बाकी क्लियर हो जाएगा कल, बट लीक्स आपको बता रहे हैं काफी जगह फैली हुई है. मैक मिनी लॉन्च होने वाला है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लीक्स जो काफी जगह से आ रही है मैक्सिमम. और कई लोग इसको स्पार्क 2 भी कह रहे हैं कई, और क्योंकि स्पार्क का ही वर्जन जितना ही इसका साइज होगा. और दे आर ट्राइंग टू कीप इट बिलो 250 ग्राम्स. जी हाँ, ये एक नई चीज इसमें उसके जो इन्फॉर्मेशन थी सैंपल की जो हमें देखा, मैं इमेजेस भी दिखाऊंगा, पूरा वीडियो जरूर देखेगा. तो 250 ग्राम से नीचे क्यों किया जा रहा है, वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारे इंडिया में ही नहीं, जो ड्रोन रेगुलेशंस थ्रू आउट वर्ल्ड में ये माना गया है कि 250 ग्राम से नीचे रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करानी पड़ती, उस नैनो कैटेगरी मानी जाती है. तो उस कैटेगरी में फॉल करने के लिए 250 से थोड़ा सा कम कर रहे हैं वेट, तो उसके लिए इन्होंने बैटरी पैक भी गोल्ड डाल दिया. सेल होते हैं ना हमारे पेंसिल सेल, उस तरह का बैटरी पैक है इसके अंदर. ऐसा पेंसिल नहीं डलेंगे पूरा, मतलब जो इंजीनियरिंग यूनिट में उसमें जो कंपार्टमेंट आया है बैटरी का वो खुला हुआ दिखाया गया है, और उसमें पता लग रहा है कि वो गोल बैटरी पैक्स डलेंगे उसमें. अदरवाइज अभी तक जितने भी बैटरी पैक्स थे ड्रोन्स के DJI के हमेशा स्क्वायर रहते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के आते हैं, गोल सिलेंड्रिकल नहीं आया. तो इस मैक मिनी में पहली चीज़ जो अलग होने वाली है वो यही है कि आपका जो बैटरी पैक है वो थोड़ा लाइटर होगा और थोड़ा सिलेंड्रिकल होगा. अब उसका क्या रीज़न है, एफिशिएंसी बढ़ेगी, वेट कम होगा, वेट कम के ज़्यादा असर लग रहे हैं, तो वो आपको पता लग जाएगा. तो पहली चीज तो है ये. दूसरा, आपको इसमें फोल्डेबल होगा, स्पार्क जैसे फोल्डेबल नहीं था, ये फोल्डेबल है मैविक की तरह, तभी इसका नाम शायद उन्होंने मैविक मिनी रखा है. क्योंकि ये फोल्ड होता है लेकिन डायमेंशंस में कॉम्पैक्ट है. और क्लियर कर दें कि ये लोअर एंड ड्रोन है, ये हाई एंड ड्रोन नहीं है. ये यूट्यूबर्स, वो यूट्यूबर्स जो बिगनर यूट्यूबर्स जो कि मैविक एयर जैसे 4K ड्रोन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, और टेलो जैसा बिगनर ड्रोन भी नहीं लेना चाहते हैं, और थोड़ा मिडल स्पार्क के रेंज में कुछ और नई चीज़ें चाहते हैं, तो वो ये उनको टारगेट किया गया. जैसे स्पार्क काफ़ी बड़ा हिट था, आई थिंक ये भी काफ़ी हिट हो जाएगा, क्योंकि जो $400-500 की रेंज में लॉन्च होगा, तो इस रेंज में जो ड्रोन्स लॉन्च अब तक DJI ने जो करते आया तो काफ़ी हिट रहे हैं वो, तो ये भी डेफिनेटली हिट होगा. क्योंकि स्पार्क लेने वाले जो हैं वो इसके तरफ स्विच ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये रखने में आसान है, फोल्डेबल है, और बैटरी की इंप्रूवमेंट जैसे इन्होंने कर लिया, तो आई थिंक फ्लाइट टाइम थोड़ा स्पार्क से जो पहले वाला उससे ज़्यादा मिलेगा आपको. और कैमरे का भी कुछ पता नहीं लग रहा कैसा कैमरा है, 4K उसमें है या नहीं है. फुल एचडी तो ज़रूर होगा, और गिम्बल के स्टेबलाइजेशन का भी अभी कुछ उसमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट आई थिंक सो 3x गिम्बल शायद वो करते हैं, तभी कुछ मैविक से उसका लिंक बनेगा. मेरे हिसाब से इस ड्रोन में मेरे हिसाब से आई थिंक 4K वीडियो भी होगा. फ्रेम्स आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, पर 4K वीडियो क्वालिटी मिल जाएगी और 3x गिम्बल ज़रूर मिलेगी. और ये सारे पावर पैक फीचर्स जो मैविक एयर में आपको मिलते थे वो इस ड्रोन में आपको मिलेंगे. तो ये था मैक मिनी की लीक्स जो अब तक आ रही हैं, और होप आपको पसंद आया होगा वीडियो. और अपना सुझाव अपने कमेंट्स नीचे बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि हम शेयर कर सकें, डिस्कशन कर सकें, और कल क्लियर हो जाएगा कि कल क्या आने वाला है.
तो फिलहाल तो मैविक मिनी ही के आसार ज़्यादा लग रहे हैं, तो होप लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।